नजीबाबाद के मोहल्ला पठानपुरा में कांजी हाउस में स्थित राशन की दुकान पर आज उस समय मारपीट हो गई जब डीलर राशन बांट रहा था और लाइन में आगे लगने को लेकर दो लोगों में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक दूसरे को हिंदुस्तान और पाकिस्तान मानते हुए धड़ाधड़ हमले कर रहे थे और दूसरे मुल्कों की तरह लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वो और मुल्कों की तरह ही बीच बचाव का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये बीच बचाव मात्र दिखावेबाजी के अलावा कुछ नहीं था। वो बीच बचाव करा जरूर रहे थे, लेकिन लड़ाई का पूरा मजा भी ले रहे थे। जब मारपिटाई ज़्यादा बढ़ गई तो राशन डीलर ने दुकान बंद करने में ही भलाई समझी और उसने दुकान का शटर गिरा दिया। मगर मारपीट का ये कोई नया मामला नहीं था, अक्सर राशन डीलरों के यहाँ लंबी लाइनों के चलते ये लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। दरअसल सरकार ने जो पॉस मशीनें राशन डीलर्स को दी हैं उनमें अक्सर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है, जिसके चलते लोगों का अंगूठा जल्दी से नहीं लग पाता, जिसके चलते लोगों को काफ़ी लंबे वक्त तक लाइनों में लगने को मजबूर होना पड़ता है, जो अक्सर इन लड़ाइयों का कारण बनता है। इसकी भी तो गलत बात है ना, मुझको जान इसकी तो बुला लिया और जो एक दिन बांटे बहुत